हमारे खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और एक बार फिर हम आज एक ऐसा मुद्दा लेने वाले हैं जिसके बाद मध्य प्रदेश को नाश हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए वो एक बड़ी चुनौती भी है। क्या है वो विषय, आज इस पर हम बात करेंगे। पेश हमारा खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल। तो न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे टाइगर स्टेट बड़ी चुनौती। जी हाँ, मध्य प्रदेश को जहाँ कुछ दिन पहले टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, लेकिन अब वो दर्जा उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी बनता जा रहा है। एक हफ्ता भी नहीं बीता है जब हम टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने पर खुशी से सराबोर थे, खुश थे कि सूबे में बाघों का कुनबा बढ़ा है। लेकिन तभी 3 बाघों की मौत की खबर ने हमें झंझोर कर रख दिया। 30 जुलाई को उमरिया जिले के घुमघुटी रेंज में 2 साल के बाघ का शव मिला, और इससे पहले 28 और 29 जुलाई को एक बाघिन और उसके शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि 2 साल के बाघ की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। आपको बता दें कि बीटीआर में इस वक्त 110 बाघ मौजूद हैं। गौरतलब है कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की आबादी के मामले में 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, जबकि कर्नाटक 524 बाघों के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2010 में कर्नाटक में मध्य प्रदेश से प्रतिष्ठित टाइगर स्टेट का दर्जा छीना था, जिसे मध्य प्रदेश में लगभग 9 साल के अंतराल के बाद पुनः हासिल किया है। लेकिन इसी बीच 3 बाघों की मौत ने फिर सबका ध्यान खींचा है। बाघों के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया मध्य प्रदेश में, और क्या वजह है कि बाघों का कुनबा तो बड़ा है लेकिन बाघों की मौत के मामले अभी थमे नहीं है। आइए जानते हैं बाघों के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ होना अभी बाकी है। एक हफ्ता भी नहीं बीता है जब हम टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने से खुशी से सराबोर थे, खुश थे कि सूबे में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। लेकिन तभी 3 बाघों की मौत की खबर ने हमें झकझोर कर रख दिया। 30 जुलाई को उमरिया जिले के घुमघुटी रेंज में 2 साल के बाघ का शव मिला। इसके पहले 28 और 29 जुलाई को एक बाघिन और उसके शावक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है 2 साल के बाघ की मौत आपसी लड़ाई में हुई है। आपको बता दें बीटीआर में इस वक्त 110 बाघ मौजूद हैं। गौरतलब है सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट 2018 के मुताबिक बाघों की आबादी के मामले में 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 524 बाघों के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। साल 2010 में कर्नाटक ने मध्य प्रदेश से प्रतिष्ठित टाइगर स्टेट का दर्जा छीना था, जिसे मध्य प्रदेश में लगभग 9 साल के बाद पुनः हासिल किया गया है। लेकिन इसी बीच 3 बाघों की मौत ने फिर सबका ध्यान खींचा है। बाघों के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया मध्य प्रदेश में, और क्या वजह है कि बाघों का कुनबा तो बढ़ा है लेकिन उनकी मौतों के मामले भी थमे नहीं है। आइए जानते हैं बाघों के संरक्षण के लिए क्या कुछ किया गया और क्या कुछ होना बाकी है। मध्य प्रदेश में बाघों का कुनबा बढ़कर 526 हुआ। 9 साल बाद मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के 2 दिन के भीतर 3 बाघों की मौत हुई। बाघों के संरक्षण के लिए बीते 7 साल में 900 करोड़ रुपए एक अनुमान के मुताबिक खर्च किए गए। दिसंबर 2018 से 27 जून 2019 तक मध्य प्रदेश में 17 बाघों की मौत हुई है। इनमें से 3 बाघों की मौत शिकार की वजह से हुई, जबकि 5 बाघों की मौत करंट लगने से हुई है। बाकी के बाघ आपसी लड़ाई या फिर प्राकृतिक कारणों से मारे गए। जंगलों की अवैध कटाई भी कहीं ना कहीं बाघों की मौत की वजह है। बाघों में वर्चस्व की लड़ाई रोकने के लिए उनका टेरिटोरियल क्षेत्र बढ़ाना जरूरी है। एक बाघ को रहने के लिए 65 से 80 किलोमीटर का इलाका चाहिए। बाघों के संरक्षण के लिए और सेंचुरी बनाने की जरूरत है। लेकिन ये बात भी सही है, मध्य प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए जो काम हो रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात की तस्दीक पीएम मोदी द्वारा जारी बाघों के सेंसेक्स से मिलती है, जिसमें एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। इन सब कवायदों के बाद भी बाघों की मौत का सिलसिला बरकरार है, हैरान करने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद अब इसे बनाकर रखना मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। 9 साल बाद कर्नाटक से
जब इस तमगे को वापस मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया उसके दो दिन बाद ही तीन बाघों की मौत की खबर ने मध्य प्रदेश को एक बार फिर झंझोर कर रख दिया है। सरकार लाख कोशिशें कर रही है लेकिन बावजूद इसके बाघों का शिकार कम नहीं हो रहा है। ये बात भी उतनी ही सच है जितना ये कि जैसे सूरज और चांद है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं पर्यावरणविद शरद कुमरे जी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं उमाशंकर तिवारी जी, पर्यावरणविद। उमाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शरद जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। एक हफ्ता भी नहीं बीता है मध्य प्रदेश को 9 साल बाद कर्नाटक से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, जिसकी सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट में जारी की थी। मध्य प्रदेश खुश भी था लेकिन ठीक दो दिन बाद तीन बाघों की मौत होती है, एक बाघिन, एक शावक और 2 साल के बाघ की मौत होती है। ये बात सच है कि सरकार कोशिशें लाख कर रही है लेकिन ये भी सत्य है कि बाघों का शिकार उतनी ही तेजी से हो रहा है। मैडम, इसके कारण ये हैं कि जो समाज में जो विकृति आई है, जो अपराध बढ़े हैं, या आप सोचें कई तरह के अंधविश्वास भी होते हैं, इस कारण से कहीं बाघों का या दूसरे जानवरों का शिकार होता है और इस कारण से ये चीज़ें होती हैं। तो जो नेशनल कैरेक्टर है उसका भी मतलब कारण है कि वो हमारा ख़त्म होते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी तय नहीं होती है। देखिए, सरकार ने जो काम किया है वो बहुत अच्छी बात है और सरकार अभी जो प्रयास नहीं किए हैं उसके लिए और प्रयास करना चाहिए। अभी जैसे जन भागीदारी, जनता को जो है समझना पड़ेगा कि ये बाघ को हम क्यों बचा रहे हैं। तो ये जागरूकता नहीं है लोगों को, सिर्फ मतलब लोगों में ये जानकारी नहीं है कि बाघों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो ये हमको बच्चों को बताना पड़ेगा शुरू से ही कि हमारे लिए सारे जीव क्यों उपयोगी हैं। तो ये हमारे जो परिवार से और स्कूल से दोनों चीज़ों से हमको समझाना पड़ेगा ताकि हम जो उपयोगी चीज़ें हैं उन्हें हम बचा के रखें, क्योंकि हमारी मानव सभ्यता ही इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। क्योंकि सारे जीव जो हैं हमारे पृथ्वी के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके अलग अलग सवारी होती हैं। तो वो अल्टीमेटली जैसे गणेश जी हैं चूहा, तो चूहा की सवारी तो करना असंभव है गणेश जी के लिए, परंतु किसी न किसी तरह से चूहों को या सांपों को या फिर जो हंस हैं या उल्लू हैं या तमाम तरह के जो जीव हैं, शेर हैं, नंदी है शिव जी का, तो वो एक तरह से हमारे लिए वो मतलब हमारे मित्र हैं, वो इंसान के, हमको वो कहीं ना कहीं मतलब जीवन से जुड़ा है, हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम सही तरीके से चले, इसलिए इन सभी चीज़ों को बचाना बहुत आवश्यक है। तो बाकी जो लोग जो ऐसे अपराध करते हैं, आपने देखा होगा कि आपस में जो लड़ाई से बाघ कम मरते हैं परंतु करंट से या शिकार से, तो ये क्यों हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए गवर्नमेंट को पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे और जो समाज के लोग हैं उनको भी ऐसे लोगों को पकड़वाने के लिए, ऐसे सजा दिलवाने के लिए जो है अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तब ये कम होंगे। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश को जो अभी दर्जा मिला है, बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है अपने मध्य प्रदेश में, ये पुनः हमको दर्जा मिला है, ये बहुत अच्छी बात है और सबको बधाई देना चाहते हैं कि जो लोगों ने अच्छा काम किया है। परंतु जो अब क्या करना चाहिए, मतलब हमारे पास बहुत जंगल है हमारे स्टेट में, तो इसमें हम क्यों ना और ज़्यादा टाइगर हों जिससे दूसरे जो स्टेट के लोग हमारे प्रदेश से लाभान्वित हों, तो ये हमारे प्रयास होने चाहिए। जी उमाशंकर जी, आपके पास आऊंगी। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर चुका है लेकिन अब उसके लिए इस दर्जे को बनाकर रखना एक चुनौती है, क्योंकि जैसे ही दर्जा मिला उसके ठीक दो दिन बाद तीन बाघों की मौत हो गई है। अब ये निर्णय लिया गया है कि बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल फोर्स, टास्क फोर्स तैयार की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बजट की हम हमेशा बात करते हैं उसकी खींचतान हमेशा रहती है। हेलो जी मैडम, देखिए पहली एक बात है कि जो बाघों का स्टेट का जो मध्य प्रदेश को दर्जा मिला था वो मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि अब हम फिर से पीछे आ गए अगर देखा जाए तो, है ना। और कर्नाटक दूसरे नंबर पे जो था तो वो फर्स्ट पे आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ अभी आपने बोला, मुख्यमंत्री जी ने भी आज मैंने पढ़ा के उन्होंने जांच के आदेश दिए, स्पेशल टास्क फोर्स का आपने अभी जिक्र किया, तो ये बताइए जो फोर्स आती है, जो भी फोर्स है, इसमें काम करने वाले कौन होंगे, कोई आदमी जो पहले से काम कर रहे हैं,
तो सबसे ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार। हर आदमी के आज किसी भी अफसर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए और अकूत धन संपत्ति मिलती है। वो क्यों मिलती है? वो इसी वजह से मिलती है कि सर्विस के अलावा जो एक्स्ट्रा उपाय से कमाई की जाती है वो होती है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं जना, चाहे वो शहर में मिलावट का मामला हो, चाहे ये बाघ मर रहे हों, चाहे लोग करंट से मर रहे हों, चाहे लोग पुल टूटने से मर रहे हों, ये क्यों हो रहा है? ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी से वो पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं। इस वजह से इसका खामियाजा जानवर से लेके और एक सभ्य नागरिक तक सबको भुगतना पड़ता है। तो जब तक ये नहीं रुकेगा और इनपे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, वन विभाग के अधिकारियों को, इसमें कार्यरत अधिकारियों को सब मालूम है, सारी चीजें मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आप चैनल के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं, अच्छे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक हम लोग, क्या हम जागृत कर सकते हैं? लेकिन काम करने वाला अमला जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक उनमें इंसानियत नहीं बचेगी, तब तक ऐसे बाघ मरते रहेंगे, पब्लिक ऐसे ही मिलावटी दूध पीती रहेगी, ऐसे ही पब्लिक को सब चीजों में, चाहे अस्पतालों में हो। आजकल क्या है, पहले इंसान अधिकारी बनता था या इंसान नेता बनते थे, लेकिन मैं नहीं समझता आज इंसान है अधिकारी या नेता है, क्योंकि इंसान वही होता है जो इंसान के काम आए, उसका दर्द समझे, जानवर का दर्द समझे। लोगों में भावना की वो कम हो गई है, ये सीधा सीधा मैं देख रहा हूँ, और स्पष्ट बातें इसलिए कर रहा हूँ, कई भ्रष्टाचारियों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन है बिल्कुल यही सच। उमाशंकर जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का पर्यावरण ऐसा है जहाँ पर बाघों के अनुकूल यहाँ का पर्यावरण है, और शायद यही वजह है कि बाघों की संख्या लगातार बढ़ भी रही है। लेकिन ये भी सत्य है कि मध्य प्रदेश में शिकार भी सबसे ज्यादा बाघों का होता है। भोपाल की बात कर लें, होशंगाबाद की, पन्ना या रीवा सतना की हम बात कर लें, इन जगहों पर सबसे ज्यादा बाघों का शिकार होता है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2014 में 13 बाघों की मौत हुई थी, 10 की सामान्य थी, 3 की शिकार करके मौत हुई थी। कुछ इसी तरह का आंकड़ा लगातार सामने आता है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो करंट लगने से बाघों की मौत हुई थी, और अभी जो बाघ मरे हैं, लगभग यहाँ भी एक बाघ वर्चस्व की लड़ाई में मरा है, तो बाकी 2 बाघों की मौत हुई है। लगातार शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं कमी है। देखिए, कमी इसलिए है, जैसा आपने बताया कि सामान्य मौत, सामान्य जो दुर्घटना में या मारे हुए मौत को भी सामान्य कर देता है, कौन कर देता है? आज इंसानों की तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल जाती है, इंसानों के लिए तो कार्रवाई हो नहीं रही है। उन्नाव में जो लड़की के साथ हो गया, कोई देखने, हर जगह मैंने बताया ना, अब इंसान ना नेता बन रहा है ना अधिकारी बन रहा है, ये तो मेरी सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इसके ही वजह से सारा का सारा जो बुरा हो रहा है, हर क्षेत्र में बुरा हो रहा है। बाघों की संख्या जब शिकार पे खुली छूट थी, तब जानवरों की संख्या बहुत थी। आज केरवा के तरफ देख लीजिए, वहाँ पे जंगलों को साफ करके स्कूलों की अनुमति दे दी गई, वहाँ दूसरी चीजें, वहाँ पे फार्म हाउस वगैरह काट दिए गए। ये कौन कर रहा है? ये सब बड़े अधिकारी को मालूम रहता है कि कौन सी अच्छी जगह है, जो अपने हिसाब से उसे मंजूरी करा लेते हैं, वहाँ पे इनके बंगले बन जाते हैं, 10-10 बंगले बन रहे हैं, इनकी गतिविधि चलने लगती है, कोई स्कूल खोल देता है, कोई कॉलेज खोल देता है। ये हर जगह हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। अभी जो मंजूरी दी जा रही है एक लाइन को, जो अपने यहाँ से जो निकलना है इंदौर रोड, इससे बहुत बड़ा जंगल का एरिया आ रहा है, 1.5 किलोमीटर में पूरा जंगल का एरिया खत्म हो जाएगा, तो उसपे भी रोक नहीं लगा रही। क्या है, जनता भी सोई हुई है और हमारे बड़े वरिष्ठ अधिकारीगण, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और इस वजह से जांच होती है, जांच करेंगे, जांच की रिपोर्ट आती रहेंगी। कितने आयोग बन गए, कितनी रिपोर्ट आई, आयोगों ने रिपोर्ट भी दे दी, ईमानदार अधिकारी काम भी करते हैं, ईमानदार न्यायपालिका में फैसले भी अच्छे आते हैं, और ईमानदार जो मीडिया है वो भी मुद्दों को उछालती है, लेकिन काम करने वाला वही बेईमान के हाथ में अगर पहुंच जाए तो कभी भी इंसाफ किसी को ना मिला है ना मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद जी, आपके पास आती हूँ। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कमी फिर भी है। एक कारण ये भी कहा जाता है कि जिस तेजी से हम वनों की कटाई कर रहे हैं, जब हम उनकी टेरिटरी को ही नष्ट कर देंगे तो आखिर वो जाएंगे कहाँ? वाकई में वो शहरों का रुख करेंगे, और शहरों का रुख करेंगे तो इंसान घबराएगा अपनी जान को लेकर, और उस पर फिर हमला करेगा, तो कहीं ना कहीं बाघों की मौत तो होगी। जरूरी है, यदि जंगल और टाइगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा जो बचपन से हम लोग वैसी शिक्षा दें कि ये, मतलब जैसे बड़े होकर लोग जागरूक होते हैं पर वो तब तक भ्रष्ट हो चुके होते हैं। फूचन तो हम पढ़ते हैं बचपन में, फूचन पढ़ते हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, हमें क्या है कि संस्कार ऐसे आने चाहिए कि हमें बताना ही पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा कानून है ना, दोनों तरह की चीजें, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो, कानून मजबूत हो, क्योंकि वही लोग आएंगे तो वही तो ड्यूटी करते हैं लोग, जिनको जिस तरह का शिक्षा मिलता है, तो वो करप्शन जो है वो
धीमा घरों को खोखला करता है भ्रष्टाचार राष्ट्र को, तो ये जो सार्थक हो रहे चीज़ तो हमें कहीं ना कहीं जो है दूसरे के हिस्से का छीन के खाने की प्रवृत्ति है वो खराब है, बहुत घटिया टाइप की है, और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो और अच्छे लोगों को समाज के माध्यम से सम्मान हो और अच्छे काम करते रहने के लिए जो है लोगों को प्रेरित भी करना पड़ेगा, और जो सरकारी नौकरी में है लोग नेता हैं उनको एक नैतिक रूप से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे बड़ी समस्या आज देश के अधिकारी और नेता हैं, बस बड़े अधिकारी और नेता, तो इनको जो है जिम्मेदारी का तय करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े नेता और बड़े अधिकारी यदि सही हो जाए तो जो नीचे का तबका जो है अपने आप सही रास्ते पर आ जाएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी सभी की है, पब्लिक की है और गवर्नमेंट की, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा से तो गवर्नमेंट बनता है, तो पब्लिक को ही समझाना पड़ेगा कि आप ही तो मालिक हो इस प्रदेश के या देश के, तो आपका ही जिम्मेदारी है कि हमारे जो सिस्टम को सही तरीके से बचाने के लिए, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी चुनौती हमारी पर्यावरण है और दुनिया ही खत्म हो जाएगी, हम दूसरे ग्रह में जाकर इतना अरबों रुपया खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं कि हम लोग दूसरे ग्रहों में हम संभावनाएं देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं जब हमारा पृथ्वी इतना अभी अनुकूल है यहाँ जीने के लिए, तो इसी को हम अच्छा बना ले ताकि हम इसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हमारी आने वाली पीढ़ी जो है जिंदा रहे, क्योंकि एक दो डॉक्टर दोस्त हैं हमारे उनसे बात हुई मेरी तो वो ये बोले कि हम शादी नहीं कर रहे हैं शरद जी, क्योंकि हमको आने वाला समय बहुत भयावह दिख रहा है, हम किस चीज़ के लिए हम अपने बच्चे पैदा करें, मतलब ऐसे ही मतलब एक तो माहौल खराब है, दुनिया का ही माहौल खराब है, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर मार काट मचा है, लोग मतलब इंसान होने के बावजूद भी जो है वो इंसानियत नहीं है उनमें, हमसे अच्छे लाख गुना अच्छे तो वो जानवर हैं जो प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करते हैं। चलिए जी, सरकार कोशिश कर रही है, हमने देखा है कि वनों को बचाने के लिए जंगल को बचाने के लिए भी अब सरकार ने अपनी मुहिम छेड़ के रखी है, पौध रोपण लगातार किया जा रहा है, जंगलों की कटाई पर कड़ाई से अब आगे निर्णय लिए जा रहे हैं, दोषियों पर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन बाघों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, उनका कहना है कि अब हम स्पेशल फोर्स तैनात करेंगे जो बाघों की रक्षा करेगा, जो बाघों की पूरी सुरक्षा करेगा, संभव है ऐसे में शिकार जो किया जा रहा है या करंट से या फिर किसी भी तरह से बाघों का शिकार किया जा रहा है उसमें कमी आ पाएगी? देखिए, इसमें इन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स या जो भी बनाया है बाघों के संरक्षण के लिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु लोग कहाँ के हैं, वही तो है ना, हमारे समाज के ही लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के जो सहल लिए हुए लोग अपराध करते हैं और उनको छुड़ा लिया जाता है, सही नियत से यदि काम किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देंगे, पर ये तो रिजल्ट आने वाला समय बताएगा कि उनके जो बनाए हुए जो टीम है वो कैसे काम कर रही है, इससे हमारा जो स्टेट का जो दर्जा है टाइगर का वो बना रहे, और बना ही क्यों रहे, हम इससे और ज़्यादा संख्या में बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर्यावरण बहुत अनुकूल है, जंगल है हमारे पास में, हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती मध्य प्रदेश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर वो करें और जंगल को बचाएं, क्योंकि अल्टीमेटली जंगल से ही हमारा जीवन बचा रहेगा और नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, आपने देखा अभी गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्मी होने लगी, अचानक मौसम बदलने लगे हैं, तो ये मतलब जो जंगल है उसका वो संतुलन बिगड़ गया है, पहले हमारे राजा महाराजा ही शिकार करते थे, अपना बड़ा शान समझते थे, पर वो बहुत खराब तरह का शौक था उनका, तो हमको समझाना पड़ेगा कि हमारे ऐसे शौक ना करें, अभी बहुत सारे आडंबर अंधविश्वास इसके कारण से भी शिकार होते हैं, कई लोग बोलते हैं कि शेर का नाखून का उपयोग इसके लिए करना है, तो लोग अब उसके लिए लोग बड़े जो चीज़ नहीं जानते उसके लिए बहुत पैसा देकर लोग ये चीज़ों का वो करते हैं, तो सब बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास में, अल्टीमेटली हमारा जो पृथ्वी है वो जीने योग्य रहे सभी के लिए, सभी जो जीव हैं यहाँ मतलब अच्छे से रहें, और सभी जीव रहेंगे तभी तक हमारा जीवन है, और नहीं तो आप सोचें कि अभी ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी समस्या है, पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो कहाँ हमारे जाति और धर्म और संप्रदाय और ये पूजा पाठ और ये सब रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको पर्यावरण और प्रकृति को एक बार फिर सुरक्षित रखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो है बजट जो है पर्यावरण को देना चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए, स्वास्थ्य को देना चाहिए, ये सब चीजों के लिए कर ही नहीं रहे जो नेता है तथा कथित, अब आप देख तो रहे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप तो मीडिया में। चलिए शरद कुंभी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। तो मध्य प्रदेश को एक हफ्ता ही हुआ था जब उसने टाइगर स्टेट का तमगा वापस हासिल किया था, पूरे 9 साल बाद कर्नाटक से उसने ये दर्जा हासिल किया था, लेकिन महज 2 दिनों के बाद 3 बाघों की मौत ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को झंझोर कर रख दिया है। आपको बता दें, इन बाघों की मौत के बाद सरकार संवेदनशील हुई है और ज़्यादा उसने इस पर कड़ाई से रुख लेते हुए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन करने की बात की है।
मध्य प्रदेश में बाघों के लिए अनुकूल पर्यावरण है, और शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश को 9 साल के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। लेकिन इस चुनौती को बरकरार रखना उससे भी बड़ी चुनौती अब सरकार के लिए हो रहा है। सरकार हालांकि कोशिशें ज़रूर यहां पर करी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जन भागीदारी की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाघ नहीं होंगे, पर्यावरण नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमें भी होगा। तो न्यूज़ स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ।